नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो के बारे में जानते हैं इस वीडियो में है पूरक और सम पूरक कोण के बारे में तो जानते हैं क्या कहलाते हैं पूरक और सम पूरक कोण तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरक कोण के बारे में क्या कहलाता है पूरा कोण और यह कोण कब बनता है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कब बनता है पूरा कोण दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मान के चलो एक कोण यहाँ पर बनाते हैं इससे ए मान लें और इसको बी यहाँ पर सी और दोस्तों एक बीच कोण के बीचों बीच एक रेखा और खींची जाए जिसको डी माना जाए तो दोस्तों यहाँ पर दो कोण बनते हैं एक कोण ए रहेगा और आपका एक कोण जी रहेगा एक पहला कोण रहेगा कौन सा दोस्तों ए बी डी ए और दोस्तों दूसरा कौन रहेगा डी बी सी डी बी और सी दोस्तों चलते हैं दोनों कौन का मान मानते हैं एक का मान लेते हैं दोस्तों इसका तीस डिग्री और दूसरे का मानते हैं दोस्तों साठ डिग्री कौन ए बी और डी का मान है डिग्री का और फिर दोस्तों उसके बाद बी सॉरी दोस्तों दूसरा कोण है डी बी और सी का मान है साठ अंश तो दोस्तों अब इन दोनों कोणों को यदि जोड़ा जाए कोण ए बी डी और कोण डी बी सी दोस्तों जब इन दोनों कोणों को ऐड करते हैं तो दोनों कोणों का मान एक का है तीस अंश और दूसरे का है साठ अंश दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे नब्बे अंश दोस्तों नब्बे अंश हो जाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि यह नब्बे अंश तो एक समकोण है तो दोस्तों यह आप कह सकते हैं कि जिन दो कोणों को मिलाकर एक समकोण बनता है उन दोनों कोणों को ही पूरा कहते जी दोस्तों। A, B, और कोण डी बी सी यह दोनों ही कोण पूरा कौन कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों कोणों का युग बराबर नब्बे अंश है दोस्तों आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यह कोण दो या तीन कोण भी हो सकते हैं जिन कोण जिन सभी कोणों का मान नब्बे डिग्री तक हो यानी कि कोण कोई भी कोण हो जब दो को, जब कोई दो या दो से अधिक कोण मिलकर एक सम कोण बनाते हैं तो उन कोणों को कहते हैं पूरक कोण दोस्तों कोई भी कोण हो या दो या हो या तीन हो वह तीनों कोण यदि सम कोण यानी कि नब्बे डिग्री का कोण बनाते हैं तो वह सारे के सारे कोण क्या होंगे दोस्तों पूरा कोण तो दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं अंगला है दोस्तों सम पूरा कोण के बारे में दोस्तों सम पूरा कोण क्या कहलाता है और यह कब बनता है दोस्तों पहले तो बात की थी पूरा कोण की अब बात करते हैं सम पूरा कोण की दोस्तों पूरा कोण तो बनता है पूरा कोण उसे कहते हैं जो नब्बे डिग्री का कोण बनाता है और कोण किसे कहते हैं वो भी मैं आपको इसमें बता चाह रहा हूँ तो चलते हैं दोस्तों चलते हैं बता चलते हैं सम पूरा कोण के बारे में तो दोस्तों ऐसे कोण जिन्हें जिनको जोड़ने से हमें 180 अंश का कोण प्राप्त होता है वह सम पूरा कोण कहलाते हैं तो दोस्तों जानते हैं सम पूरा कोण भी बना लेते हैं दोस्तों मांगे चलो एक सौ अस्सी एक चाहिए दोस्तों एक सौ अस्सी एक तो एक ही भुजा पर बने हुए कोण का ही होता है यह एक सीधी भुजा है ए और बी दोस्तों यहाँ पर एक कोण जे यहाँ पर बन जाएगा इसको सी मान लें और दोस्तों एक बन जाएगा यहाँ पर इसको डी मान लें और दोस्तों इस बिंदु को ओ मान लें तो दोस्तों यह कौन रहेगा एक तो यह कौन रहेगा और एक कौन जी रहेगा और दो तीसरा कौन रहेगा आपका यह दोस्तों आपको तो मालूम होगा कि एक ही भुजा पर बने हुए सारे कोणों का योग एक सौ अस्सी होता है एक सौ अस्सी अंश का होता है तो दोस्तों आप साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जिन युगों जिन कोणों का योग एक सौ अस्सी डिग्री के बराबर होता है वह सभी कोण समक कोण कहलाते हैं दोस्तों इन पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी पर भी नहीं बनते यदि आपको यह जानकारी ना हो कि पूरा कोण समक कोण क्या कहलाते हैं तो दोस्तों आप शायद समझ गए होंगे पूरा कौर सम पूरा कौन किसे कहते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दो। चलिए दोस्तों आ, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों बाय